हेलो गाइस, आज हम आपको बंगाली अचार बनाना दिखाएंगे। हमने बहुत सारे आम लिया है, उसमें पानी में भिगोकर अच्छे से धो के साफ़ करके हमने छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट दिया है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा कम, देख लीजिए आप। उसके बाद हम आधा पैकेट नमक उसमें मिलाएंगे, अच्छे से मिला के रात भर उसको टांग के रखेंगे ताकि उसमें से सारा पानी निकल जाए। अगले दिन हम हल्दी नमक अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हम अब इसको सुखाने वाले हैं। बाहर बहुत अच्छी धूप आई है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए टाइम लग रहा है इसको मिलाने में। अच्छे से मिलाइएगा ताकि एक भी ना छूटे, सफ़ेद सफ़ेद ना रहे, अच्छे से कलर आ जाए इसमें। इस तरह से हम धूप में अच्छे से फैलाकर सुखाने के लिए रख देंगे। एक के ऊपर एक ना रखें ताकि सब अच्छे से सूख जाए। बहुत तेज़ धूप निकली है, एक दिन में हो जाएगा। इसको एक दिन के लिए सुखाने के लिए दे, वरना ये बहुत हार्ड हो जाएगा। अगले दिन हम तेल, नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर और अचार मसाला अच्छे से इसमें मिक्स करें। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आम है। हमने एक बार मिक्स करके एक डब्बे में भर दिया है, ये दूसरी बार मिक्स कर रहे हैं। सारा अच्छे से मिक्स करके हम एक डब्बे में भर देंगे और उसको धूप में देंगे रोज़, और तेल से डुबो कर रखें ताकि हमारा अचार ख़राब ना हो। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा कलर आया है इसमें, बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो हमारा अचार रेडी हो गया।